जम्मू कश्मीर के सीएम पद की शपथ लेते ही मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा दिए गए बयान को लेकर लोकसभा में खूब हंगामा हुआ। रविवार को शपथ लेने के तुरंत बाद सईद ने कहा था कि हुर्रियत आतंकवादी संगठनों और पाकिस्तान ने विधानसभा चुनाव के लिए बेहतर माहौल बनाया। इस पर संसद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि हमारी सरकार का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जीत का श्रेय मैं चुनाव आयोग और घाटी की जनता को देता हूं। लेकिन राजनाथ के बयान के बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। महोदय, जैसा मैंने पहले स्पष्ट किया है कि जिस शांतिपूर्ण माहौल में जम्मू कश्मीर का चुनाव सम्पन्न हुआ है, उसके लिए मैं चुनाव आयोग को इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, इसके लिए मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस को बधाई देना चाहता हूं, इसके लिए जम्मू कश्मीर की मैं जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं और बहुत ही एक शांतिपूर्ण और स्वस्थ माहौल में वहां का चुनाव संपन्न हुआ है। अध्यक्ष महोदया, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वह प्रधानमंत्री जी की सहमत के आधार पर ही मैं बोल रहा हूँ। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी और उनके बीच क्या बात हुई, किन किन मुद्दों पर बात हुई, मैं समझता हूं कि यह जो विशेष रूप से जो मुद्दा आज इस सदन में उठाया गया है, इस मुद्दे के संबंध में मैं विश्वास के साथ ही नहीं कह रहा हूं बल्कि उनसे बातचीत करने के आधार पर जो हमारी जानकारी है उसके बाद मैं यह कह रहा हूं कि इस मुद्दे पर जो मुद्दा आज सदन में उठाया गया है, इस संबंध में उनकी मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी। इसलिए मैं समझता हूं कि स्वयं प्रधानमंत्री को यहां पर आकर स्टेटमेंट देने का कोई प्रश्न ही नहीं। इस बयान को लेकर कांग्रेस ने खूब बवाल मचाया और सवाल खड़े किए। इसके साथ ही मांग की कि पीएम खुद आकर इस पर सफाई दें। भारी हंगामे के बीच कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट भी किया। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जो कह दिया वो बिल्कुल सही है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।